वाराणसी जनपद में बॉडी बिल्डर एवं फिटनेस एसोसिएशन की ओर से फर्स्ट आयरन मैन ऑफ वाराणसी प्रतियोगिता का हुआ आयोजन। गणतंत्र दिवस के अवसर पर शास्त्री घाट गंगापुर के समीप यह आयोजन हुआ। आयोजन में युवाओं को स्वस्थ रहने के लिए दिए जाएंगे टिप्स। एसोसिएशन के अध्यक्ष मोहम्मद अहमद खान ने बताया कि जिन प्रतिभागियों को चुना जाएगा उन्हें एसोसिएशन के खर्च पर प्रदर्शन के लिए बाहर भेजा जाएगा। वाराणसी से बीबीसी रिपोर्टर आफताब आलम की ये रिपोर्ट। एसोसिएशन ये कमीशन को ऑर्गेनाइज करेगा, ये किसी के माध्यम से नहीं। आयरन मैन से तात्पर्य क्या? आयरन मैन का मतलब है कि लोहे का खिलाड़ी, बॉडी बिल्डिंग सिर्फ लोहा, इस गेम का परिचय तो यही है। तो आपकी संस्था क्या करने जा रही है? मेरी संस्था भी इसके बाद जो है पूर्वांचल कराएगी, फिर यूपी इसके बाद। जी कितने खिलाड़ी भाग ले रहे हैं इसमें? भी 100+ बनारस के खिलाड़ी हैं। कुछ मौसम बिगड़ने से कुछ कम हो सकते हैं, मगर फिर भी 100+ होंगे। आयोजन कहाँ पर कर रहे हैं? आयोजन भी है ये शास्त्री घाट पे हो रहा है। कब? कितने बजे? 6 बजे से शुरू होगा, रात्रि 10 बजे तक में खत्म हो जाएगा, क्योंकि मौसम थोड़ा ऊपर नीचे हो रहा है, इस वजह से 10 बजे तक में ही खत्म हो जाएगा। ये आयरन मैन की प्रतियोगिता जो कराई जा रही है, ये क्या पहली बार कराई जा रही है? ये पहला आयरन मैन है भैया, फर्स्ट आयरन मैन है। इससे युवाओं को क्या फायदा होगा भैया? इस गेम को खेलने से इसके बाद यूपी और इंडिया के रास्ते खुल सकते हैं बच्चों के लिए, तो यही है। अब तो सरकार से इस खेल को कितना प्रमोट किया जाता है? सरकार से अभी तक तो उम्मीद नहीं है हमको कि सरकार बॉडी बिल्डिंग या ऐसे कुछ खेल हैं इसमें सरकार का कोई रुझान नहीं। और गेमों में तो प्रमोट करती है? नहीं नहीं, ऐसा क्या, सिर्फ क्रिकेट आप ले ले, हॉकी ले ले, कबड्डी ले ले, कुश्ती ले ले, इन गेमों को छोड़कर बाकी किस गेम को है? पावर लिफ्टिंग को आज तक नहीं मिला, वेट लिफ्टिंग को तो मिलता है, मगर पावर लिफ्टिंग को नहीं मिल पाया। क्या मांग करते हैं सरकार से इस तरह का? भैया सोचते तो यही है कि अगर कोई बच्चा यूपी और इंडिया में अगर गोल्ड लगाता है तो उसको छोटा मोटा नौकरी तो मिल ही जाए, जिससे अपने जीवन को भी चला सके और गेम को भी आगे बढ़ा सके। इस खेल को खेलने के बाद कहीं आरक्षण भी वगैरह बैठे नहीं मिलता? नहीं भैया, वो उस माध्यम में हम लोग कभी नहीं आता ही नहीं है क्या ये? नहीं नहीं आता, क्यों नहीं? आरक्षण तो भी हर ही जगह पे है, हर जगह चाहता है आदमी, ऐसा कुछ भी नहीं है। हम लोग सिर्फ गेम से मतलब रखते हैं और कोशिश हम लोगों की ये होती है कि भैया जो खिलाड़ी आगे बढ़ रहा है उसको बढ़ाया जाए, और सरकार से ये उम्मीद रखते हैं कि इनको नौकरी छोटी सी एक को मिल जाए, जैसा उनका एजुकेशन हो उस हिसाब से एक छोटी सी नौकरी मिल जाए किसी भी विभाग में, वो पुलिस विभाग में हो, पीएससी में हो, मिलिट्री में हो, रेलवे में हो, कहीं पे भी। और सरकार आज नहीं तो कल सुनेगी। अब तक आपके जिम से कितने लड़कों ने किस किस क्षेत्र में कितनी सफलता प्राप्त की है? भैया हमारे जिम से अगर बात करें भैया तो काफ़ी सफलता रही है, जूनियर नेशनल से लेकर इंडिया तक, इंडिया से लेकर भैया वर्ल्ड तक हमारे बच्चे खेले हैं, ऐसा नहीं है। और बच्चों की संख्या हम लोग तो नहीं रखते हैं, संस्था हमारी बनारस की एसोसिएशन काफ़ी स्ट्रांग रही है शुरू से, कुछ समय तक थोड़ा नीचे रहा है मगर फिर अपनी जगह इस समय बरकरार है। कितने वर्षों से ये आपका कार्यक्रम कराया जा रहा है भैया? इसको अगर हमको देखते हुए तो 25 साल हो गया भैया। 25 साल हो गया, क्या कुछ खास इस बार होगा अलग? नहीं, ऐसा कुछ खास नहीं है भैया। इसके बाद जो है पूर्वांचल और यूपी में हमारे चेयरमैन साहब अशोक पटेल जी, वो भी उन्होंने सोचा है कि कुछ अच्छा किया जाएगा। मुख्य रूप से किस किस जिले के लोग इसमें पार्टिसिपेट करते हैं? अगर बनारस जिले का हो रहा है तो सिर्फ बनारस जिले को ही इसमें परमिशन होता है, पूर्वांचल हो तो पूरा पूर्वांचल, यूपी हो तो पूरा यूपी, अभी तो सिर्फ बनारस जिले का ही है ये। आपका नाम क्या है?